अस्सलाम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है, मेरा नाम जाहिद है और आज हम उठ चुके हैं रंगखेल में और बहुत इंजॉय किया रात को। बारिश हो रही थी और मौसम ज़बरदस्त हो गया हुआ है। अभी हम तैयार हो चुके हुए हैं और नाश्ता रेडी होने लगा है। नाश्ता करते हैं, उसके बाद कुछ होटल बनाएंगे दोस्तों के साथ यहाँ पे, और फिर दोपहर को फिर 12-1 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो आज हमारा आखिरी दिन है और रंगखेल बादलों में घिरा हुआ है। आपको मैं चेक कराता हूँ और अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद कुछ फोटोज लेते हैं दोस्तों के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं। अरंगकेल कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये केल से कोई 8400 मीटर की बुलंदी पे वाक़ है और केल से यहाँ तक हाइकिंग का जो रास्ता है वो तकरीबन 2 किलोमीटर का है। अरंगकेल घूमने का जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो गर्मियों का है, वो इसलिए कि अरंगकेल ग्रीनरी से भरा हुआ होता है और इसके गिर्द चारों तरफ जो पहाड़ होते हैं वो बहुत पुरकशिश मंज़र पेश कर रहे होते हैं। और गर्मियों में ग्रीनरी में जब आपको जानवर घोड़े वगैरह फिरते हुए नज़र आएंगे तो बहुत ही प्यारा मंज़र पेश कर रहे होते हैं। तो आप लोग जब भी अरंगकेल घूमने का प्लान करें तो ये लाजमी याद रखें कि गर्मियों में जाना है, क्योंकि गर्मियों में बहुत खूबसूरत होता है। अब हमारी टीम नीचे नाश्ते के लिए तैयार बैठी है, तो सोचा जाएं और नाश्ता कर लें। और ये बहुत ही प्यारे होटल यहाँ पे बने हुए हैं, सारा लकड़ियों का काम हुआ हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम था और सामने कितना खूबसूरत मंज़र है अरंगकेल वैली का। अरंगकेल में हमारा स्टे था कॉर्नर कॉटेज होटल में, बहुत ही प्यारा होटल है। पहले भी मैं जब गया था तो इस होटल के अंदर रहा था। और यहाँ पे शहबाज भाई होते हैं, बहुत ही नाइस भाई हैं वो। आप जब भी जाएं कॉर्नर कॉटेज उनसे लाजमी मिलिएगा। नाश्ता करने के बाद हमने सोचा कि होटल के एरिया से थोड़ा आगे निकल के जाते हैं और वैली को एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे कितनी खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ पे होटलों ने खूबसूरती को थोड़ा कम कर दिया है। तो हम होटल से थोड़ा निकल के आगे की तरफ जा रहे हैं और चेक करें कितने प्यारे खूबसूरत होटल हैं। तो गाइस, अब हम होटल के एरिया से थोड़ा आगे आ गए हैं। यहाँ पे टोटली नेचुरल ब्यूटी है, होटल्स कम है और वो ज़बरदस्त व्यू बना हुआ है। आप पीछे चेक कर सकते हैं मेरे चारों तरफ, और बहुत ज़बरदस्त व्यू है। बाकी हम नाश्ता कर रही है, हमने सोचा कि यार टाइम बचाएं और फिर कुछ घूम लें, कुछ नया चीज़ कैप्चर कर लें। तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, आप सामने चेक करें कितना प्यारा व्यू है। अरंगकेल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन कश्मीर, और इतनी ज़्यादा खूबसूरती होने की वजह से अरंगकेल को पर्ल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। अरंगकेल एक ऐसी जगह पे वाक़ है जहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती, इस वजह से वहाँ पे पोल्यूशन भी कम है। भाई जूते कहाँ चले गए आपके? भाई और तो बोल बढ़ने लगा हूँ, है भी भगाऊंगा गाजी जाहिद। आप चेक करें कितनी पुरसकून जगह है और चारों तरफ पहाड़ है और दरमियान में एक छोटा सा गांव है जिसको अरंगकेल कहते हैं। तब मैं और अहमद थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं जहाँ पे होटल्स और घर बिल्कुल ख़त्म हो चुके। अरसल मेरे साथ है, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ देर यहाँ पे बैठते हैं और सामने का व्यू इंजॉय करते हैं, और बहुत पुरसकून जगह है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। कोई रश नहीं है, कोई होटल नहीं है, चारों तरफ लश ग्रीन फील्ड्स हैं और सामने पहाड़ हैं। ये अरंगकेल में मेरा कोई 5वां चक्कर है और जब भी मैं अरंगकेल आता हूँ पहले से बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। एटलीस्ट बंदा जब कश्मीर जाए तो अरंगकेल लाजमी जाए और अरंगकेल में जाके नाइट का स्टे लाजमी करे, वरना आप वहाँ की खूबसूरती को प्रॉपर तरीके से इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मशवरा है आप जब भी अरंगकेल जाएँ एक नाइट का स्टे वहाँ पर लाजमी करें और सुबह वहाँ पर मॉर्निंग का व्यू इन्जॉय करें, आपको खूबसूरती का सही अंदाज़ा तब हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा आगे जाके हमें कुछ लोकल्स बच्चे मिले हैं, उनसे फिर हमने गपशप की है, उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो ये बता रहे थे कि हमारा जो स्कूल है वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब अरंगकेल से भी और ऊपर है जहाँ पे हम जाके पढ़ने जाते हैं, और डेली हम यहाँ जंगल से गुजर के वहाँ आगे की तरफ जाते हैं। और ये कुछ ये भी बता रहे थे कि आगे और भी खूबसूरती है ऊपर जहाँ आर्मी का एरिया है और वहाँ पर आर्मी के लोग रह रहे हैं। अरंगकेल की खूबसूरती को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, बहुत प्यारा गांव है, बहुत ही प्यारा गांव है कि अल्फाज इसकी खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। बस हॉर्स राइडिंग भी कर ली है और जंगल भी फिर लिया है, वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं, ज़रा भी थकावट नहीं है।
और बहुत मज़ा आया। और ये कि आज हमें वापस जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं, थकावट भी नहीं है कि कैसे सफ़र करेंगे। और सर कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग कराची से आए। कराची से? माशाल्लाह आपका बेटा बहुत प्यारा है, क्या नाम है इसका? अर्दाल अब्बास। अर्दाल अब्बास, माशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू। लकड़ी के खूबसूरत बने ये होटल अरंगकेल की खूबसूरती में और बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं। अब हम अरंगकेल से वापस केल की तरफ जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि रास्ता कितना स्लोपी है। पोर्टर आपने लाजमी लेना है अगर आप चाहते हैं कि आप रास्ते में थके ना। चेक करें लोग यहाँ पे कितनी मेहनत करते हैं, और 2 किलोमीटर ऐसे सामान अपने सर के ऊपर रख के आना बहुत मुश्किल है। पैर फ्लैट रखना, दूसरा ऐसे रख पैर। कौन? ऐसे रखो पैर। और नहीं वो ऐसे भाई फिसलता नहीं है, ऐसे सीधा रेटते जाओगे भाई। पहुंच गए वापस 5 मिनट में, वो उतरते नहीं टाइम। हाँ, इजी है, 5 मिनट में पहुंच जाओगे। सदका दे लेना अपना। फ्लावर डाल गया। और रास्ते में अब तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। तो गाइस ये बारिश हो रही है और अब हम अरंगकेल से केल की तरफ जा रहे हैं। सारे ट्रैक स्लिपरी हो चुके थे और बस थोड़ा सा रह गया, और रास्ते में थोड़ा सांस ले रहे हैं। सामने केल नज़र आ रहा है, बस पहुंचने वाले हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट हम दरिया के पास पहुंच चुके हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, पसीना पसीना हो गया क्योंकि सारे ट्रैक्स कीचड़ कीचड़ हो चुके थे। इस सामने दरिया का व्यू है और बस 5 मिनट सांस ले रहे हैं, फिर दोबारा नीचे की तरफ हाइकिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ट्रैक का रास्ता इतना ख़राब हो चुका हुआ था कि वहाँ पे नीचे चल के आना बहुत मुश्किल था, तो हम एक और रास्ते से नीचे उतरे हैं। और अब ये दरिया के हम बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। चेक करें कितना ज़बरदस्त क्लाउडी वेदर बना हुआ है। भाई दरिया के किनारे पहुँच चुके हैं और हाथ मुँह धो लिए। नीचे चेक करो कितना ज़बरदस्त किस्म का मौसम बना हुआ है, और ये सीन चेक करो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अभी बस तैयार होकर पुल की तरफ जाते हैं। सामने हमारा पुल है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। हाथ मुँह धो लिए हैं, अब हम ब्रिज की तरफ जा रहे हैं और क्लाउड्स से सारे हैं भाई। दरिया के अंदर आया हुआ है, बहुत प्यारा व्यू था। सारी थकावट उतर गई है, बारिश भी रुक गई है, अब जाके कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। चलो चलो। क्योंकि हम नए रास्ते से नीचे उतरे हैं और ये रास्ता पुल से काफ़ी दूर हमें जाके दरिया के पास ले गया था, तो हमें थोड़ा सा दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ा। अब हम वापस उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे पुल है। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे क्योंकि पुल थोड़ा ऊंचाई पे वाकई है, तो वहाँ पे कुछ लोकल मिले हैं जो हमें गाइड कर रहे थे और पुल की तरफ लेके जा रहे थे। यहाँ पे व्यू चेक करें, कितना अमेजिंग व्यू है गाइस। अब ये मैं पुल पे पहुँच चुका हुआ हूँ और हम पुल से केल के रास्ते से अरंगकेल की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे बारिश होने की वजह से इतना ज़बरदस्त मौसम बन चुका था, कपड़े पूरे गीले हो चुके थे, लेकिन ये कि सही इंजॉय किया हमने, कह लो कि एक नया एडवेंचर हो गया था। बाकी हमारी टीम काफ़ी पीछे रह गई थी क्योंकि उनके साथ कुछ बच्चे थे जिनकी वजह से ट्रैक पे चलना उनके लिए बहुत मुश्किल था, तो वो कुछ देर वेट कर रहे थे ताकि बारिश जैसे ही रुके तो वापस हम केल की तरफ जाएं। तो हम यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ आ रहे हैं जो रास्ता केल की तरफ जाता है। ये सामने ऊपर जो एरिया था वो अरंगकेल था जहाँ पे हम गए थे। और हम 3 लोग सबसे पहले अरंगकेल से केल बाज़ार की तरफ पहुँचे हैं। भैया हम अरंगकेल से केल की तरफ पहुँच चुके हैं, बस बाज़ार आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, बारिश हो गई। और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट्स भी करें। ओके यार।